मेरा क्वेश्चन ये है कि खुश कैसे रहें, मतलब आज के सुबह में 4:30 बजे से खुश हूँ कि मुझे यहाँ पर आना है, मैं हैप्पी, सारे काम वाम करके आ रही हूँ, पर डेली लाइफ में क्या है, शादी से पहले भी शादी के बाद भी, अपना उठे कभी पढ़ाई कर ली, घर के काम कर लिए, फिर ये काम, रात तक काम कर लिए, नौकरी कर लिया, आ गए सो गए, अपने लिए टाइम भी निकाल पाते सर, अपने शरीर को, अपना खाना पीना, अपना लंच, अपना ब्रेकफास्ट। और दूसरी चीज़, लाइफ में ऐसे लोग हैं, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, जिनका काम है 24 घंटे का भी निकालना, ये नहीं करा, वो नहीं करा, ऐसे नहीं करा, तेरे अंदर ये नहीं, तेरे अंदर वो नहीं। मैंने सेशंस भी सुन लिया आपके भी, और ये सब आप कैमरे में बोलना चाहते हैं ये सारी बात? कोई बात नहीं सर, मतलब सब कुछ कर लिया, कमा लिया, दमा लिया, काम भी कर लिया, रोट भी कमा ली, सब कुछ कर लिया, खुशी नहीं आ रही, आज खुश हुई हूँ जाके, 6 महीने बाद हैप्पी हैप्पी। मैं समझ गया, टॉपिक बड़ा अच्छा है, खुश रहना है। हाँ, कि खुश कैसे रहें, बस क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि इंस्टेंटली अभी इसी मोमेंट में हम खुश रह सके? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक मिनट। हाँ, आप कह रहे हो पॉजिटिव सोचो, तो ये तो पता है, बट कितने हैं जो एक्चुअल में 24 घंटे पॉजिटिव सोचते रहते हैं? नेगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं या पॉजिटिव ज्यादा आते हैं? और एक बार उस नेगेटिव थॉट्स की साइकिल में हम फंस जाते हैं तो वहां से बाहर निकलना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो द क्वेश्चन इज कि कैसे उस नेगेटिव थॉट्स की साइकिल से हम इमीडिएटली बाहर निकल सके, प्लस जब बाहर निकले तो वो टेम्पररी ना हो, वो सस्टेन भी हो सके। कि कभी कुछ नेगेटिव आया भी तो आया और गया, अभी उल्टा होता है। नहीं, नेगेटिव बना ही रहता है, पॉजिटिव थोड़ी देर के लिए, कहीं से मेरा कोई सेशन देखा या कहीं से किसी की कोई बातें सुनी, कुछ किया, थोड़ी देर के लिए एकदम से पॉजिटिव हो गए, फिर वापस से वहीं के वहीं पहुंच गए, ऐसा ही होता है। सो द पॉइंट इज कि कैसे हम इंस्टेंटली वहां से बाहर आए और प्लस उस स्टेट को हम सस्टेन भी कर पाए, क्या ऐसा कोई रास्ता है? सर, आप ही के सेशन से सीखा था, खुशी दो खुशी मिलेगी। तो अगर आपको किसी भी मोमेंट में खुश रहना है तो आपको सब कुछ निकाल के खुशी बांटनी है। अगर जितना आप खुशी बांटोगे उतना आप खुश रहोगे। बट खुशी देने के लिए या किसी को कुछ देने के लिए पहले जेब में होना तो चाहिए? यस सर। आपकी जेब में पैसा होगा तभी तो दोगे? यस सर। थ्योरेटिकली तो हम दे सकते हैं, तो अब बात है कि वो हमारे अंदर खुशी कहाँ से आए, वो क्वेश्चन है। सर, आई थिंक दैट हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम कंटेंटमेंट। If I'm satisfied with the life that I'm having, I think I would be happy. And I think satisfaction aati hai when I'll start thinking ki the life that I'm living is still a dream for a lot of people. I think satisfaction is one thing that can keep you happy. Sirf yahi ek tarika hai khush rehne ka, aur koi dusra tarika nahi hai. There is no other way to be happy. The only way is contentment. Ki agar hum satisfied hain jo hamare paas hai usse, to hum khush hain. प्रैक्टिकली करके देखना, जहां से जब आप घर जाओगे रात को सोने से पहले एक बार एक पेपर पेन ले लो, लिस्ट बना लो, सिर्फ ये लिखते चले जाओ मेरे पास में क्या है, कुछ चीजें हैं आपके पास में, कितना कुछ है, रहने के लिए एक घर होगा, ये छोटी चीज होती है क्या, मतलब घर होना, करोड़ों लोगों के पास में घर नहीं है इंडिया में, 24 घंटे आपको सिर्फ यही नजर आ रहा होगा, अंदर से दिल से यही निकल रहा होगा, क्या कमाल हो रहा है। पता है कैसा हो जाता है फिर उसके बाद में, क्योंकि अब आपका जोन बदल चुका है, बाकी की दुनिया से बिल्कुल अलग जोन है। आप सड़क पे भी कहीं जा रहे होगे, मान लो गाड़ी चला रहे हो, बाइक पे हो, पैदल चल रहे हो, किसी को भी देखोगे ना तो अंदर से पता है क्या दुआ निकलने लग जाएगी, जो आपने आप में से आई एम नॉट श्योर कितनों ने सुना है कितनों ने नहीं, सर्वे भवंतु सुखिनः। अब इसको चाहे आप संस्कृत में बोलो चाहे हिंदी में बोलो, अरे सब खुश रहे, कहीं से निकल रहे होगे, कोई बंदा चलता हुआ दिख रहा है, ये भी खुश रहे, ये भी खुश रहे, ये भी खुश हो जाए, मतलब दिल से सिर्फ दुआएं निकल रही है। तो जब दिल से दुआएं निकलती रहती है, अब क्या हो रहा है जिसकी आपने बात करी थी, किसने कहा था खुशी बांटो, हाँ इन्होंने कहा था, ये है खुशी को एक्चुअल में बांटने का मतलब, पूरे यूनिवर्स के लिए आपके दिल से दुआएं निकल रही है, जो मैं करने वाला हूं उसका असर इस पूरी दुनिया पे होने वाला है, और जो दुनिया कर रही है उसका असर मेरे पे हो रहा है, तो क्यों ना मैं कुछ ढंग का ही करूं, क्यों मैं किसी के साथ गलत करूं, ऐसी ऐसी फीलिंग अंदर से आने लग जाएगी। यू आर गेटिंग द आंसर, आपने क्वेश्चन पूछा था, आपको मिल रहा है आंसर। एक डायरी लेनी है, यही कहीं मार्केट से मिल जाएगी, नीचे यहीं पर एक दुकान है, तो
₹20 में से ₹5 मेरे हैं, तो वहीं से ले लें। भैया ऐसे थोड़ी खर्चे चलते हैं। तो आप एक डायरी ले लोगे, लिखना शुरू कर दोगे, ये करोगे या नहीं करोगे? पक्का करूंगी सर। पक्का? पक्का सर। प्रॉमिस? सर यस। गॉड प्रॉमिस? पक्का पक्का प्रॉमिस, गॉड गॉड प्रॉमिस। डेली डेली आज एक घंटा। कुछ है आपके पास में लाइफ में, अगर एक्चुअली आप लिस्ट बनाने लगे? इट्स अ ड्रीम लाइफ व्हिच आई एम लिविंग। आई जस्ट रियलाइज्ड व्हेन यू से दैट योर लाइफ इज अ ड्रीम लाइफ फॉर अदर्स। नहीं नहीं, देख रहे हो, थॉट प्रोसेस चेंज होने में 1 सेकंड लगता है, बट अब पॉइंट ये आ रहा है जो हम नेक्स्ट लेवल की बात आज यहाँ पे कर रहे हैं। अभी तो चेंज हो गया, बट इसको सस्टेन कैसे करें? कि ये जो अभी आपने बात यहाँ पर कही और अभी जैसा फील कर रहे हो, अभी अच्छा फील हो रहा है अंदर से, बहुत अच्छा है ना, हल्का फील हो रहा है, ऐसे ही 1 हफ्ते बाद भी फील हो, 1 महीने बाद भी, 1 साल बाद भी ऐसे ही फील हो। सब कुछ है सर, सब कुछ है, कुछ कमी नहीं है सर, कोई कमी ही नहीं है सर। गवर्नमेंट टीचर हूँ, सब कुछ है मेरे पास। अब बताओ इससे ऊपर और क्या होगा यहाँ पे? इंडिया में लाखों लोगों का वो सपना है। सर यस। तो जो लोगों का सपना है वो सारे सपने आपके सच हुए पड़े हैं। एक लिस्ट बनाते हैं। लाइफ में भगवान की दया से फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई कर्जा नहीं है। हेल्थ अच्छी है, वेल्थ अच्छी है, बेबी में आई हैव अ डॉटर। यू हैव अ बेबी डॉटर है आपके पास सर, बहुत प्यारी है। डॉटर्स तो होती प्यारी है, लड़के निकम्मे होते हैं। आपकी हेल्थ परफेक्ट है, वेल्थ परफेक्ट है, हस्बैंड भी है, प्यार करने वाले हैं, हस्बैंड है, प्यार करने वाला है। तो जैसे हम इस थॉट प्रोसेस को ठीक करते हैं और प्रैक्टिकली अगर आपने इसको करना शुरू कर दिया, तो आई कैन गिव इट टू यू इन राइटिंग ऑन अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर। आने वाले 1 महीने तक अगर आपने लग करके इसको कर लिया जो मैं आपको कह रहा हूं, जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी, पूरी मतलब पूरी तरह से। After 1 year, you will be a completely changed person. आप यहां पर खड़े हो गए, मैं वहां पर बैठा हूं। Thank you so much for coming.